I'm blowing a pack of that OG. Don't be acting like you. Welcome to Harry's Vlogs. I know 4 din baad ye video aa raha hai, lekin is video mein aap dekhne wale ho JW Marriott Chandigarh ka pura review. To last video aapko kafi matlab pasand aaya हयात का, तो मेरे को लगा चले यार एक सीरीज स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम होटल्स को करेंगे रिव्यू. व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर दबाना. आपके एक लाइक आपके एक सब्सक्राइब से बहुत बहुत फर्क पड़ता है. और जो कमेंट करके बताओ आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो तो मुझे जान के बहुत अच्छा लगेगा. और इस वाले वीडियो में मेरी सिस्टर मेरे साथ है, गुरशीन गुल, जिसको आपने पहले भी देखा होगा मनाली वाली सीरीज में, तो वो भी जा रही है और प्रॉपर रिव्यू आपको मिलने वाला है. हाँ तो फिर कैसे ध्यान दे पा रहा है तू अपनी हेल्थ पे? हाँ, ट्रैवलिंग के साथ साथ थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है. यस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रैवलिंग के साथ अब खुद को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हो. इट्स बिन ऑलमोस्ट अ ईयर मैं यूज करता हूँ प्रीमियम गोल्ड वे प्रोटीन बाय बिग मसल न्यूट्रिशन. तो एक बार सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और पोस्ट वर्कआउट मैं ले लेता हूँ एक स्कूप. 25 grams प्रोटीन मिलता है एक स्कूप में. 11 grams EAA है, 5.5 grams BCAA मिल जाता है. ये जो इंग्रीडियंट्स होते हैं ना आपकी लीन मसल बिल्डिंग में बहुत हेल्पफुल होते हैं. आपको पता है प्रोटीन is so important for your muscle health. भी ट्रैवलिंग के वक्त भी या फिर अगर मैं घर पे भी हूँ तो मैं एक स्कूप सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और एक पोस्ट वर्कआउट ले लेता हूँ. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस गोल्ड वे इज इसमें ना प्रो हाइड्रोलाज एंजाइम टेक्नोलॉजी है. बहुत अच्छे से बॉडी में ऑब्जर्व होता है. थिंकिंग रहती है ना कि भाई मतलब अगर मैंने वर्कआउट कम किया तो मतलब प्रोटीन ऑब्जर्व होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है. इसकी ये एंजाइम टेक्नोलॉजी इतनी कमाल की है और उसको इतना डिफरेंट बनाती है बाकी कोई भी प्रोडक्ट से. और एक और चीज, अब तो ट्रस्ट की सील भी है, अमेजोन फ्लिपकार्ट का बेस्ट सेलर है, तो ट्रस्ट का सवाल नहीं होता. इनफॉर्म चॉइस यूके सर्टिफाइड है. मिक्सिबिलिटी और टेस्ट बहुत ही कमाल का है एंड रिजल्ट्स आर वेरी जेन्युइन. लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है. अगर खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो और वर्कआउट करते हो देन दिस इज समथिंग यू मस्ट हैव. जाके परचेज कर लो. The melanin on me, my cheekbone is native to soil, is my where I walk. Some beavers on me, my nigga, go figure, my enemy, make enemy scoff. Admit it, your energy off. My frequency killer, you soft. I show people love, they act like they above it, but switch when they see me, I'm lost. I tell the truth when I talk. Niggas wanna be me. I used to sleep in the car. Tell my girl when it crashes in car. Now I got a crib and... Juki, I think it is one of the most luxurious property here. Oberoi ke baad. Oberoi bhi karenge, lekin wo thoda budget ke bahar ja raha tha. To isliye meko laga chalo, fir kabhi. अभी फिलहाल ये मेरा पहला स्टे है JW मैरियट में. प्लेन जर्नीज ट्रेन जर्नीज तो आपने देखी है बट अभी थोड़े होटल रिव्यूज भी देखो. एक एक करके इस रूम का मैं आपको टूर देता हूँ. आप देख सकते हो पीछे. और ये कौन है अगर आप सोच रहे हो, ये है मेरी बहन गुल. इससे आप पहले भी मिले हो मनाली में एक बार, आपको याद होगा. सो ये है मेरी बहन, ये भी आई है. तो मेरे को लगा चल इसका भी एक स्टेकेशन हो जाएगा, थोड़ा सा घूम लेगी और कुछ नया देख लेगी. सो ये है रूम. भाई ओवरऑल थोड़ा सा मुझे डल लगा, मैं आपको सच बताऊं तो हयात थोड़ा ब्राइट था. अब आप सोचोगे कि भाई मतलब डल क्यों, क्योंकि अभी जब ये अंधेरा हो जाएगा ना तो लाइट्स इतनी ही जलेगी रूम में. थोड़ा डल लगा मुझे इसका कॉन्सेप्ट, बट एनीवे द स्पेस इज ह्यूज. रूम काफी बड़ा है. नीचे जो है वुडन फ्लोरिंग दी है, यहाँ पे वर्किंग टेबल है. भाई सबसे बेस्ट चीज है, आराम से बैठ के मैं काम करने वाला हूँ. और काम करते करते यहाँ पे आप अपना फोन भी चार्जिंग पे लगा सकते हो. USB पोर्ट वगैरह भी दिया हुआ है. लेकिन ये थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है, मतलब ये रेनोवेटेड रूम नहीं है, ये थोड़ा पुराना रूम है. और यहाँ पे ये कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगा, ये भी थोड़ा पुराना है. तो हयात सेंट्रिक जो आपने देखा था वो ब्रांड न्यू था, मतलब उसको बने हुए कुछ महीने हुए थे. ये थोड़ा सा ओल्ड थोड़ा पुराना रूम लग रहा है मुझे. तो ये थोड़ा सा पुराना सिस्टम है और ये USB पोर्ट्स, ऑडियो राइट ऑडियो लेफ्ट, ये सब बहुत पुराना हो गया. बट दिस इज द वर्किंग टेबल, काफी बड़ा है. यहाँ पे बैठ के आराम से चिल कर सकते हो, खाना खा सकते हो. ये टेबल दी हुई है और यहाँ पे मास्टर स्विच है. ये रहा मास्टर स्विच, यहाँ पे अपना फोन चार्जिंग पे लगा सकते हो और यहाँ पे नोट्स वगैरह लिख सकते हो. और ये है कर्टन कंट्रोल्स जो कि आपने देख लिया होगा वीडियो के स्टार्टिंग में. एंड दिस इज द हाई क्वालिटी बेड, नो डाउट काफी बढ़िया है. लेकिन हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि हमको सिंगल अलग अलग बेड करवा दे तो मतलब बेटर रहेगा. मतलब ये पूरी लाइट्स ऑन है अभी रूम की, इससे ज्यादा लाइट चालू होगी नहीं. व्यू मतलब बाहर का ये है, सामने स्विमिंग पूल का इन्होंने कुछ व्यू टाइप का दिया हुआ है. यहाँ पे भी इन्होंने ना एक काउच टाइप का दिया है. तो यहाँ पे मुझे एक चीज लगी, JL की मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे होती है, चंडीगढ़ में होती है. मैंने देखी है इसकी मैन्युफैक्चरिंग. यहाँ पे पेन वगैरह दिया है और यहाँ पे ग्लासेस हैं. और ये रहा मैरियट का लोगो. आप वॉशरूम की लाइट्स कंट्रोल कर सकते हो. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट वॉशरूम, पूरा रूम ही दिया है अंदर रूम के. अगर मैं देखूं तो देखो ये रहा बाथटब के बगल में यहाँ पे भी शावर एरिया है और ऊपर भी शावर है. तो 1, 2, 3 शावर हो गए. शैम्पू कंडीशनर शावर जेल तो ऑब्वियसली दिया है.
है, एक डोर यहाँ पे है, एक डोर बगल में है और आप पूरा कंट्रोल यहाँ से कर सकते हो. एनीवे, एंड दिस इज द होल मिरर. बहुत बड़ा मिरर है ये, मतलब आपको लगेगा भाई रूम के अंदर रूम है. तो अगर मैं बाथरूम का साइज बताऊँ ना आपको, ये देखो कितना बड़ा बाथरूम का साइज है. एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ पे इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री चीजें दी हुई है. तो ये तो हो गई पूरी कॉम्प्लीमेंट्री. ड्रिंक वगैरह कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है और ये भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है. आई थिंक स्पार्कलिंग वाइन है. एक बहुत फेमस एक्टर है, उनका एक न्यूज बहुत फेमस हुआ था, JW मैरियट का ही न्यूज था. वो चंडीगढ़ आए थे तो उन्होंने 2 केले मंगवाए थे और उन केलों के लिए उन्होंने 750 रुपए दिए थे. उस एक्टर का नाम मैं ना दिखा दूंगा आपको, आ रहा होगा स्क्रीन पे आपके, न्यूज आर्टिकल दिखा दूंगा. उस बंदे ने एक्टर था वो बहुत बड़ा, उन्होंने 750 रुपए दिए थे 2 केलों के. वो जिम में वर्कआउट कर रहे थे, उन्होंने केले मंगवाए 750 के. तो मतलब उन्होंने शेयर किया था ट्विटर में कि JW मैरियट भाई ये क्या सीन है. तो मतलब रेट तो आप समझो बिल्कुल उटपटांग है, बट फिर भी मैं आपको मंगवाऊंगा कुछ ना कुछ, तो हम रिव्यू करेंगे, सर्विस देखेंगे कैसी है. लेकिन हाँ, तो वहां से ये होटल बहुत फेमस हुआ था. ये एसी कंट्रोलर है, थोड़ा पुराना सा ही है, पुराना ही है. और यहाँ पे ये है कबर्ड और यहाँ पे इन्होंने 2-2 बाथरूम दिए हुए हैं. यहाँ पे लॉकर वगैरह भी दिया हुआ है, बट इसका यूज आता नहीं है बिल्कुल भी, सच कहूँ तो. और नीचे यहाँ पे लॉन्ड्री बैग्स. ये अपना लैपटॉप लाना भूल चुकी है, अभी मेरा लैपटॉप यूज कर रही है. स्पा का प्राइस है 1500-8000 रुपए की भी है, अगर कुछ ज्यादा ही पैसा है आपके पास और आप बहुत ही अमीर हो तो यहाँ पे 5500 का फेशियल भी करा सकते हो. और ये देखो स्क्रब गाइस 40000 का भी है कुछ. ये देखो स्टीम स्क्रब मसाज 39,400 रुपए का है. लोकल ब्रेकफास्ट 1000 रुपए का है. डैनिश पेस्ट्री जो है, चॉइस ऑफ एग 475 और बेक चिकन लसानिया 1140, मतलब 950-850. ओवरनाइट मेन्यू भी है तो मतलब 24/7 आप कुछ भी मंगवा सकते हो, मतलब 11 बजे तक रहेगा वो डिनर वगैरह रहेगा. दिस इज द मेन्यू जो कि बहुत एक्सपेंसिव है. ऑल्सो गाइस रूम सर्विस भी बहुत ही एवरेज है. चार बार कॉल कर चुके हैं अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है. फोन करें तो उठाते नहीं है. अभी आपको मैं एंड ऑफ द डे बताऊंगा प्राइस कितना है और वर्थ इट है कि नहीं वो भी बताऊंगा. इतना पुराना रूम है ये देखो, पहले से कुछ कुछ इस बारी तो एक सेकंड देखो ये क्या क्या है. ये देखो ये क्या क्या चिपचिपा है, किसी के बाल पड़े हैं. ये देखो बाकी बार भरा हुआ है. बार में क्या क्या है मैं दिखा देता हूँ. देखो डाइट कोक वगैरह, स्निकर्स वगैरह और ये सब चीजें हैं. ठीक है तो गाइज ये ना बार मेन्यू है, इसका प्राइस देख लो. पेप्सी पीनी है 300, ब्लैक पेप्सी 300, 7-Up 300, रेडबुल 400, स्पार्कलिंग वाटर 350 और अगर अल्कोहल में अगर आपको वाइन पीनी है 1000 रुपए की वाइन है. ये जो वाइन देख रहे हो ये 1000 रुपए की, और पता है इसका ये आपको जापान में कितने की मिलेगी, 80 रुपए की. अभी 15 मिनट हो चुका है, कोई कॉल बैक नहीं आया. आपके सामने मैंने कॉल किया था, अभी तो कॉल बैक नहीं आया रूम चेंज के लिए. कोई अपडेट ही नहीं दे रहे, मतलब मैंने बोला कि ऑनलाइन दिखा रहा है आप देख लो क्योंकि यार मतलब सही रहता है, लेकिन कोई अपडेट मतलब कोई कॉल बैक भी नहीं किया. यहाँ पे पता नहीं कुछ गिरा होगा, ये शायद क्या किसी ने पानी गिराया है, क्या गिराया है. देखो कैसा मतलब भाई अजीब सा रूम है ये देखो. Need to understand something. Firstly, we have booked for everywhere it's available. Yeah. So how long will it take? Works then. That's the case, right? That should be the case. To us by 3:00, right? Okay, perfect. Yeah, that's what my concern is. It then you need to understand that you know, like you'll have to make sure that your guests are comfortable, right? चीज अच्छी लगी गाइस कि यहाँ पे ना ये जर्मनी की कोई कॉफी दी है. ये टीवी बहुत बढ़िया है और इसमें अभी हम लगा रहे हैं हैरिस ब्लॉग. ये है मेरा एमिरेट्स वाला वीडियो. प्लीज इस वीडियो को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं फर्स्ट क्लास भी दिखा सकूं एमिरेट्स का. और भाई ये टीवी बहुत बड़ी है, आराम से पीछे बैठ के यहाँ से आराम से कुछ भी इंजॉय करो. अभी लगभग गुल कितना हो गया, 50 मिनट हो गए ना, लगभग 1 घंटा हो गया. खाना अभी तक आया नहीं है, बहुत टाइम पहले हमने ऑर्डर किया था तो पता नहीं शायद अभी कुछ, आई होप खाना अच्छा हो, पता नहीं सर्विस थोड़ी खराब है. खाना आ चुका है और मतलब ये बेताब बैठी है, मुझे कह रही है जल्दी रिव्यू कर, इसको भूख लग रही है, मुझे भी भूख लग रही है. तो पहले एक एक करके देखते हैं कि आया क्या क्या है. तो ये रहा लच्छा पराठा, मैं यहाँ रखते जाता हूँ. ये है, ये कोई ब्रेड भेजी है इन्होंने साथ में. हाँ ये लज़ानिया के साथ होगी ये ब्रेड. तो ये है एग करी, दिस इज चिकन लज़ानिया और 2 ब्रेड्स भेजी हैं साथ में लज़ानिया के. और ये देख ये क्या है, दिस इज दम बिरयानी. ये दम बिरयानी है, ये भी काफी बढ़िया लग रही है, काफी टेस्टी लग रही है. और साथ में सैलेड, एक एक करके ट्राई करते हैं. पहले थोड़ा थंबनेल लेंगे. Standing with the torch gripped in my hand, I'm helicopter of the palm, hold my fortune. I live ready to die, my mama hate me, sounded morbid. Growing up, my daddy got caught up in. एक-एक करके अब टेस्ट करते हैं और देखते हैं भाई
कैसा है, क्योंकि इसको लग रही है भूख बहुत ज्यादा तेज और ये मुझे कह रही है भाई जल्दी टेस्ट कर। सो स्टार्ट करते हैं पहले ये लसानिया से, काफी बढ़िया लग रहा है। बाय द वे मैं बता दूं, ये सारा खाना एग करी हो या फिर वो लच्छे पराठे हो, बिरयानी हो, चिकन लसानिया हो या फिर ब्रेड हो, सारा खाना आया है 4200 का, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। अब देखते हैं कि ये टेस्ट वर्थ इट है कि नहीं। लसानिया को आई वुड गिव अराउंड 9 out of 10 इजीली। बहुत बढ़िया है गाइस, बहुत टेस्टी है। ट्राई करते हैं ये ब्रेड, काफी अच्छी लग रही है, इसको भी ट्राई करते हैं। मतलब यूजुअली आपने डोमिनोज में खाई होगी गार्लिक ब्रेड, बहुत हार्ड हो जाती है, दिस इज टॉप नॉच। और स्पेशली मैंने दो लोगों के लिए मंगवाई है और ये राइस की क्वालिटी है बिल्कुल टॉप नॉच। ट्राई करते हैं राइस बिरयानी, देखते हैं बिरयानी कैसी है। मजा आ गई 10 on 10 स्ट्रेट बिरयानी को। मतलब जिसके अंदर मसालेदार फ्लेवर है ना, कई बार बिरयानी कैसी होती है ना, कोर में मसाला होता है, आसपास बिल्कुल प्लेन, लेकिन दिस इज लाइक प्रॉपरली मेड। ट्राई करते हैं ये एग करी, खोल दे थोड़ी आके, एग करी खोल दे, जल्दी खोल। ये है एग करी, ये सिर्फ करी ट्राई करेंगे। आपको लगेगा जैसे आप घर पे खा रहे हो ये करी, एग करी बिल्कुल देसी है भाई। ये कॉम्प्लीमेंट्री आया है मूंग की दाल का हलवा, इसको मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कैसा टेस्ट करता है कैसा नहीं। कैसा है? 10 on 10 अभी ये ना हमारा दूसरा रूम है, एक्चुअली वाला रूम देखो अभी ना क्या है, डबल डबल बेड है। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रूम, ये देखो भाई, ये अभी हम ये फाउंटेन के बगल में ही आ गए हैं। एंड यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई बंदा आ रहा है, एक्चुअली ये इन्होंने होटल के बीच में वैसे ही व्यू के लिए बना रखा है, सो इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो ये अप्रिशिएबल है ना, कमाल का लग रहा है। मतलब अगर आप यहाँ से देखो ये, मतलब सुबह सुबह उठ के आपको लगेगा रिसोर्ट में उठे हो। और यहाँ पे ना इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए ऊपर देखो कबूतर वगैरह नीचे ना आए। तो मैं हूँ अभी 6th floor पे और ये है इन्फिनिटी पूल एरिया। अभी तो भाई ठंडियों का वक्त है, पर यहाँ पे आराम से बैठो और पूल का मजा ले सकते हो। और जब मौसम साफ होता है ना, तब आप पहाड़ भी देख सकते हो दूर तक। सो हाँ, दिस इज द एरिया। आई थिंक ये सिर्फ लाउंज एरिया है, लाइट वगैरह तो जल रही है, लेकिन सब कुछ थोड़ा पुराना दिख रहा है, रेनोवेटेड नहीं है, काफी पुराना है। तो ये इनका इन हाउस सैलून भी है, 366। वर्कआउट चल रहा है, थोड़ा लेग्स मार रहा हूँ, 8 number मशीन्स हैं, वो रहा कार्डियो, ये है क्रॉस ट्रेनर। वर्कआउट हो गया है कंप्लीट, बहुत बढ़िया वर्कआउट हुआ। और आप जिम देख सकते हो, कमाल का ही जिम है, आपको लगेगा आप गोल्ड जिम में वर्कआउट कर रहे हो। सब मशीन मिलेगी, JW फिटनेस क्लब है बेसिकली। तो जो बाहर वाले लोग हैं, जो स्टे नहीं भी कर रहे हैं, गेस्ट नहीं भी हैं, वो भी यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन इसकी मेंबरशिप बहुत एक्सपेंसिव है। देख लो एक बार, बढ़िया है। और यहाँ पे गेटोरेट वगैरह भी दिया हुआ है, पे करके आप ले सकते हो, 200 से ऊपर का चार्ज है इसका। और यहाँ पे पानी की बॉटल्स वगैरह, टॉवल्स वगैरह एंड ये डिटॉक्स वगैरह भी दिया हुआ है, ये भी ले सकते हो। मतलब जब आप ये कर्टेंस पूरा लगा देते हो ना रूम में, तो ये लाइट देख रहे हो, इस लाइट से हल्की हल्की रोशनी आती है रूम के अंदर। हम जा रहे हैं शूज लेने के लिए, एक्चुअली मेरे दोस्त की शादी है गाइस बहुत जल्दी, तो उसके लिए बाहर से ना कुछ ऐसा दिखता है होटल। और ये खा रही है गोलगप्पे, कैसे लग रहे हैं गोलगप्पे? बढ़िया, ठीक है। मतलब आलू से बेटर वो लग, क्या इस बेसिकली ये है बाई सेक्टर, यहाँ पे मतलब हम हमेशा ही ना गोलगप्पे खाते ही खाते हैं। लिया कितने खाए तूने? 6 खा लिए। कोरिया का खाना, जापान का खाना, ये पसंद। अभी हम सोच रहे हैं कि हमने लंच तो कर लिया था होटल में, और अभी जो है ना हल्का फुल्का हम यही खा लेंगे कहीं पे। सो देखते हैं बाई सेक्टर में ही खा लेंगे, साथ में भाई खुशी मंगवाने वाले। और बुफे का मैंने आपको प्राइस बता दिया था, 2300 है पर पर्सन, 6900 रुपए टैक्स के साथ, 7500 का पड़ेगा 3 लोगों का बुफे, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव। ब्रेकफास्ट सस्ता है? हाँ, ब्रेकफास्ट मतलब समझो 700 नहीं, इतना सस्ता नहीं है। नहीं, अगर तू उसी टाइम बुक करता है तो 700। हाँ, अगर आप ऑनलाइन बुक करोगे तो 700 पड़ेगा आपको बुफे का, ब्रेकफास्ट बुफे का, लेकिन अगर बाद में बुक करोगे तो 1000-1500 का पड़ेगा। तो अगर आपको ब्रेकफास्ट करने का मन है तो पहले ही बुकिंग कर लेना, डिनर करने का मन है तो भी पहले ही कर लेना, क्योंकि अलग से लोगे तो बहुत एक्सपेंसिव है। अभी हम लोग हैं अरोमा में, और ये जो है ना भाई, मतलब बहुत पुरानी जगह है। तो चंडीगढ़ जब नाम आता होगा आपके दिमाग में, तो ये अरोमा जगह जरूर आएगी। हमारे होटल से 1 kilometer ही दूर है, 24 hours खुला रहता है। द बेस्ट पार्ट अबाउट चंडीगढ़ इसकी, मतलब आसपास में शिमला भी है, जब मन करे शिमला निकल जाओ, 120 kilometer ही है, और रोड भी काफी बढ़िया है। तो मतलब जो न्यू ईयर के टाइम वाइब्स होती है ना, मतलब इस साइड चंडीगढ़ साइड या ऊपर हिमाचल साइड, बहुत एपिक होती है, मतलब मजा आ जाएगा आपको। इस वक्त
इस यहाँ पे इस जगह पे, और देखो चायोस भी है, और हाँ ऊपर ज्ञानीज की आइसक्रीम भी है। तो ज्ञानीज जो है वो नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस है, यहाँ की आइसक्रीम्स बहुत बढ़िया रहती है। तो आप पता होगा अगर आप दिल्ली के हो या नॉर्थ सेक्टर के, आपको पता होगा ज्ञानीज की आइसक्रीम बहुत फेमस, वो भी मिलेगा। डेजर्ट भी है, खाना भी है। 2021 का न्यू ईयर और 2022 का न्यू ईयर मैं हिमाचल में था। इस रात में ना कुछ ऐसा दिखता है ये बाहर से गाइज, ये लॉबी रात में कुछ ऐसी लगती है। और अभी क्रिसमस के लिए इन्होंने पूरा सजाया वगैरह हुआ है। एक रेस्टोरेंट है ब्लू हाउस, एक रेस्टोरेंट तो ये हो गया, ठीक है। आप बेसिकली गाइज तीन रेस्टोरेंट्स हैं, एक्सो, डबल एक्सो एंड सैफरन। ये है बुफे के लिए, एंड दिस वन इज फॉर आला कार्ते इंडियन स्पेशलिटी सैफरन। एक और रेस्टोरेंट है वहां पे, दैट इज अ प्रॉपर बार। अब चलते हैं भाई अपने रूम में वापस, यहाँ पे भी बैठ सकते हो। सो फार सो अमेजिंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं लिफ्ट में हूँ और अभी जा रहा हूँ जिम। अच्छा खासा सोया और वर्कआउट करते हैं थोड़ा सुबह सुबह, और चाय मैंने पी ली थी, कॉफी पी ली थी। फिलहाल तो जिम खाली है पूरा, बट सुबह सुबह कुछ ऐसा दिखता है। आज करेंगे हम थोड़ा कार्डियो। तो गाइस वर्कआउट हो गया फाइनली भाई, अब जा रहा हूँ नहाने के लिए। सर्विस इनकी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि एक बार कॉल करो तो भूल जाते हैं, या फिर दो दो तीन तीन घंटे बाद आएंगे, तो सर्विस उतनी खास नहीं लगी मुझे। रूम अच्छा है, व्यू अच्छा है, बट सर्विस नॉट एट ऑल गुड। और आपने कल रूम में देखा ही मतलब क्या क्या चीजें हमने देखी। अब जाते हैं नहाने, नहा के आता हूँ, पूरा पैक करता हूँ सामान, फिर आपको बताता हूँ प्राइस कि मैंने इस होटल के लिए पे कितना किया। कल का बिल जो था, यूजली इन होटल्स में मतलब आप रिसेप्शन में पे कर सकते हो वाइल द टाइम ऑफ चेकआउट, लेकिन इन लोग कल ही पीछे पड़ेगा कि भाई अभी करो अभी करो अभी करो। ये भी थोड़ा सा चीप लगता है, मतलब इतनी चीप चीजें अच्छी नहीं लगती चेकआउट के वक्त पे करेंगे। तो यूजली मतलब अच्छे होटल्स में आपको वो बोलते हैं रिसेप्शन में ही पे करना आफ्टर चेकआउट, लेकिन ये लोग बिल्कुल पीछे पड़ गए कि नहीं अभी पे करना पड़ेगा अभी पे करना पड़ेगा। तो वो मतलब मैरियट के हिसाब से तो ये मुझे बहुत ही चीप लगा, ऐसा कभी मतलब होता नहीं है। गाइस फाइनली हो गया है स्टे कंप्लीट और अब हम जा रहे हैं घर। घर जाके मैं आपको बताता हूँ प्राइस। फाइनली आ गया हूँ मैं घर और अब वक्त है आपको प्राइस बताने का। तो मैंने इस होटल के लिए पे किया लगभग 13,500 रुपए पर डे के लिए 2-3 पीपल, और अगर आप खाना भी मंगवाते हो तो खाने का बिल था कुछ 4,200। 13,500 + 4,200 टोटल लगा है यहाँ पे स्टे का और खाने का, जो कि बहुत सुपर एक्सपेंसिव है। बट सर्विसेज वर नॉट गुड, मेरा ऑनेस्ट फीडबैक है, सर्विसेज वर नॉट गुड। रूम्स थोड़े पुराने हैं, जितने अच्छे होने चाहिए उतने हैं नहीं, और रूम्स के अंदर भी जो इन्होंने डेकोर लगाया है वो भी थोड़ा पुराना है। तो मेरा मतलब बहुत ही एवरेज एक्सपीरियंस रहा, उतना खास नहीं था। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि मैं ये रिव्यूज़ करता हूँ, होटल रिव्यूज़ करता हूँ, ये मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। मैं अपना कंटेंट बनाने के लिए करता हूँ, सो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बहुत 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 अमीर हो गया, ऐसा नहीं है। दिस इज माय जॉब टू मेक कंटेंट फॉर यू। तो आपको एक्सक्लूसिव चीज़ें दिखाना ही मेरा काम है, मेरा इन्वेस्टमेंट है बेसिकली। तो शायद अगर मैं कुछ और जॉब कर रहा होता या फिर मैं कुछ और फील्ड में होता तो मे बी शायद मैं जाता भी नहीं मैरियट, या फिर पता नहीं कभी जाता। तो मतलब ये मत सोचना कि मतलब मैं मैरियट कभी जा रहा हूँ या कभी इधर उधर जा रहा हूँ या बिजनेस क्लास में घूम रहा हूँ। इट्स अ पार्ट ऑफ माई जॉब। सो यस, आप जो चीज़ पसंद करोगे सबसे ज़्यादा वो मेरा फर्ज बनता है कि आपको दिखाऊं। कंटेंट लाना मेरा काम है, पसंद करना। आप पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर लिख के जाना। तो शायद बताना मुझे आप कहाँ से देख रहे हो ये वीडियो, ठीक है। चलो बाय।